नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रशिया की तरफ से बड़ी खबर आते हुए दिख रही है और ऑफिशियल नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूं, राउटर्स की तरफ से ये खबर आई है, बट जो राउटर्स की सोर्सेज होती है ना, जो सूत्र होते हैं, वो ऑलमोस्ट सही और सटीक खबर देते हैं। ये खबर कभी भी आपके लिए ऑफिशियल होते हुए दिख सकती है। खबर क्या है उसको समझने से पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। इस खबर के चलते बहुत सारे स्टॉक्स में बड़ी पिटाई पड़ी है। आज तो वैसे ही पूरा मिड कैप स्मॉल कैप टूटा हुआ था, निफ्टी भी एट द एंड लाल निशान में ही बंद हुआ। हालांकि सेंसेक्स में जरूर आपने 100 पॉइंट्स की तेजी देखी है, बाकी बैंक निफ्टी निफ्टी लाल निशान और मिड कैप स्मॉल कैप का तो बड़ा बुरा हाल था आज। स्टॉक्स के नाम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि खबर किस सेक्टर के लिए। खबर है फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए। अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो सेकेंड हाफ में अचानक से कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक टूटते हुए दिखे। वैसे तो पूरे दिन के दौरान गिरावट थी, बट सेकेंड हाफ में एक शार्प करेक्शन आई है। दीपक नाइट्राइट, तो आपका दीपक फर्टिलाइजर की बात करूंगा मैं, दीपक फर्टिलाइजर 5.5% टूट गया है आपके लिए। अगर आप NFL देखें, नेशनल फर्टिलाइजर की स्टॉक की बात की जाए, ये 5% टूट गया है। अगर आप RCF की बात करें, यानी राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात की जाए, 7% टूटता हुआ दिखा है। अगर आप चंबल फर्टिलाइजर की बात करते हैं, मैं यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर आपके साथ शेयर करता हूँ, ये 2% टूटा है और ये ऊपर गया है खबर के बाद। इसके लिए भी मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा पूरा, क्या है क्या नहीं है। आप जरा कोरोमंडल इंटरनेशनल देखिए, क्योंकि ये भी इसी से रिलेटेड है। यहां आपने शार्प अपटिक आते हुए देखा है, यानी कि आपने कोरोमंडल इंटरनेशनल एंड चंबल फर्टिलाइजर में अपटिक देखा है। हालांकि चंबल फिर भी 2% के करीब नीचे ही रहा, और वहीं RCF, NFL एंड दीपक फर्टिलाइजर, ये तीन स्टॉक 5-7% टूटते हुए देखे आपने। अब क्या है खबर उसको समझिए। सेक्टर समझ गए आप, क्या है फर्टिलाइजर का। अब खबर क्या है वो समझिए आप। खबर है रशिया जो फर्टिलाइजर है वो भारत की कंपनीज को एक्सपोर्ट करता था। रशिया हमारी कंपनीज को देता था फर्टिलाइजर एक डिस्काउंटेड प्राइस पे, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा उनके लिए खरीदने वाला एक, मतलब आप ये कह सकते हैं जो उनके पास एक सही शब्द मेरे को इस समय मिल नहीं रहा है, बट जो इनसे माल खरीदता है ज्यादा हाई लेवल पे वो था, ठीक है। तो उनको ये डिस्काउंट देते थे एडिशनल फर्टिलाइजर लेने में। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया भर में अगर वो 100 रुपए का जा रहा है तो भारत में वो 95 या 90 रुपए का जा रहा है, एक डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं, इनके पास से उनके पास बड़ा ऑर्डर पहुंच रहा है। तो रशिया भारत को फर्टिलाइजर एक डिस्काउंटेड प्राइस पे देता था, लेकिन अभी दुनिया भर में डिमांड मिसमैच हो रही है, सप्लाई मिसमैच हो रही है, तो रशिया ने कह दिया है कि हम ये जो डिस्काउंट था वो नहीं देंगे, ठीक है जी। क्या कह दिया कि अब हम भारत की कंपनियों को जो डिस्काउंट में फर्टिलाइजर देते हैं वो डिस्काउंट पे नहीं देंगे। अब किसके लिए नेगेटिव हो गया, जो इनसे फर्टिलाइजर खरीदता था उन्हें एक डिस्काउंट मिल रहा था, वो डिस्काउंट मिलना बंद हो गया, समझ रहे हो बात को। इसीलिए नेशनल फर्टिलाइजर, आप RCF, राष्ट्र केमिकल फर्टिलाइजर एंड दीपक फर्टिलाइजर, इन तीनों स्टॉक्स में बड़ी पिटाई पड़ते हुए दिखे, क्योंकि ये बायर थे रशिया से, अब इन्हें महंगा मिलेगा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर की जरूरत तो पड़नी है, काम करना है, पूरी कंपनी इसी पे डिपेंड है, तो यहां पे प्रॉब्लम हो गई है। वहीं आपने देखा चंबल और कोरोमंडल ऊपर गए, क्योंकि चंबल एंड कोरोमंडल खरीदते नहीं, इसे प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, तो ये बेचने वाली कंपनियों को मुनाफा होगा। अब पूरी डिटेल समझिए, अभी बची हुई तीन कंपनियां एक तरफ है, दो कंपनियां एक तरफ है, दो कंपनी जिनके लिए पॉजिटिव है, तीन जिनके लिए नेगेटिव है। अब ये क्या करती थी, ये पहले रशिया से खरीदती थी क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा था, तो डिस्काउंट पे तो मिलेगा नहीं, अब तो इन कंपनी से ये डायरेक्ट ले सकते हैं, जो कि इनकी सेल बढ़ाएगी, प्लस इनके पास क्या होगा, ये प्राइस भी बढ़ा सकते हैं अपना, भारत से खरीदना है और महंगा कर लो अगर मंगाओ वहां से बाहर से टैक्स वैक्स देके, तो इनके पास प्राइसिंग पावर भी आ जाएगी, इनकी सेल भी बढ़ सकती है, ये सारी चीज, और प्लस और देशों में भी ये कहीं ना कहीं अपना माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। और इसी के चलते आप देख पा रहे हो चंबल और कोरोमंडल बढ़िया बढ़ता हुआ दिखाए, RCF, NFL एंड दीपक फर्टिलाइजर घटता हुआ दिखाए। ये पूरी की पूरी डिटेल जो मैंने शेयर करी है, ये अभी राउटर्स की तरफ से ऑफिशियली रशिया की तरफ से नहीं आई है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ज्यादा पॉजिटिव कोरोमंडल के लिए, और कोरोमंडल वैसे भी एक बहुत ही शानदार कंपनी है। अब इस खबर को देख के कल आप खरीदने चले गए, बेकार है, मजा नहीं आएगा, पैसा नहीं बनता ऐसे खबरों के दम पर। पैसा बनता तो मैं तो दिन में 5 खबर सुना दूं आपको, पर खबरों के दम पर पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है होल्डिंग पावर से या फिर ट्रेडिंग डिसिप्लिन से।
आपके अंदर क्या है वो आप देखिए। यहां मेरा सिर्फ यही व्यू है कि अगर आपके पास चंबल और कोरोमंडल का शेयर है तो आपके लिए पॉजिटिव है भैया, शेयर में तेजी आ सकती है। बाकी के 3 शेयर हैं तो भी टेंशन मत लो, ये सब चलता रहता है, मार्केट है, कभी ऊपर कभी नीचे, कुछ ना कुछ। ये अगर महंगा खरीदेंगे तो आगे कुछ ना कुछ महंगा बेचेंगे, समझ रहे हो बात को? ऐसा तो है नहीं कि ये महंगा खरीद लेंगे लेकिन प्राइस वही रखेंगे। अरे कितनी बार आपने देखा है कि जो एडिबल ऑयल है उसके दाम बढ़ जाते हैं, कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो एडिबल ऑयल के दाम बढ़ गए, कर देती है कंपनियां महंगे, उन्हें महंगा पड़ रहा है वो आपको सरपास कर देंगी। कोई कंपनी एशियन पेंट है ना, जब कच्चा तेल बढ़ता है वो अपने पेंट के दाम बढ़ा देती है, तो सब सरपास कर देते हैं। तो आप टेंशन मत लो, ये न्यूज थी जो आपके साथ शेयर करा। इनिशियली इंपैक्ट आता है हर चीज पे, इसलिए स्टॉक में आपने वॉलिटिलिटी देखी। बाकी बाजार में भी आज थोड़ी प्रॉब्लम थी, पूरी खबर मेरी तरफ से मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।